तो कितने की पड़ गई ये गाड़ी मुझको? ये पड़ गई 13। अरे बहुत लंबा टनल है ये, कौन सा टनल भाई? ऑटोमेटिक है ये कोई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। हॉलीडेज से हम आ चुके हैं और मैंने आते ही ना अपनी जो जैगुआर कार थी, आपको पता ही होगा कि मेरे पास जैगुआर कार थी, वो मैंने सेल कर दी है। बहुत ही सस्ते प्राइस में सेल कर दी है, 6,600 न्यूजीलैंड डॉलर में उसे सेल कर दिया है, क्योंकि किलोमीटर काफ़ी चल गई थी। और सेल करने का एक रीज़न था, मेरे पास वो कार 5 साल से थी और एक लगाव सा हो जाता है किसी भी चीज़ को, आप अगर इतना समय तक रखते हैं तो एक लगाव सा हो जाता है। थोड़ा हार्ड था सेल करने के लिए, लेकिन वो कार ना मेरे लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं बची थी अब, तो उसके लिए थोड़े हार्ड फैसले लेने होते हैं, तो इसीलिए मुझे वो कार सेल करनी पड़ी। मैं नई कार खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दो कार मैंने सेलेक्ट भी की हैं, तो मैंने कॉल की है, मुझे मेरे शहर में नहीं मिल रही, या तो ऑकलैंड में कार मिलती हैं या वेलिंगटन या बड़े शहरों में जैसे क्राइस्टचर्च है, तो वहाँ पे बड़े बड़े डीलर हैं, अच्छे प्राइस में कार मिल जाती हैं। सेकंड हैंड ही मैं कार ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस बार ना प्रैक्टिकल कार लेंगे। और मैं जैसे ही मुझे वो कार मिल जाएगी जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसा मैं मॉडल ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद आपको कार भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जैगुआर मैंने क्यों सेल कर दी और क्यों वो जो मॉडल है वो वाला कार का मॉडल मैं ले रहा हूँ। तो मैं कुछ कॉल्स करता हूँ आज, और ट्रेडमी है यहाँ पे एक वेबसाइट, वहाँ से आपको पुरानी कार या नई कार आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आजकल आपको बहुत सी कारें मिल जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डीलर से लूँ। प्राइवेट कार लेने में आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती, अगर कोई सच बोल रहा है तो ठीक है, अगर किसी ने झूठ बोल के आपको प्रॉब्लम वाली कार देती तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डीलर से कार लेते हैं तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन डीलर से थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है कार प्राइवेट कार से। तो कोशिश करूंगा कि डीलर से ही कार मिले। मिलता हूँ थोड़े समय में, कुछ कॉल्स वगैरह करता हूँ और फाइनलाइज करना है आज। तो 2 घंटे हो गए थे जब मैं पहले आपको वीडियो बना रहा था, तो उसके बाद मैंने की हैं कुछ कॉल्स, और एक गाड़ी जो है फाइनलाइज हो गई है। मैंने $1,000 डिपॉजिट भी दे दिया है और ये गाड़ी मुझे मिली है वेलिंगटन में, वेलिंगटन जो कि देश की राजधानी है, और आज ही उठानी होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आज लेकर जाओगे तो इस प्राइस में मिल जाएगी, कल को प्राइस अप भी हो सकता है, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही है गाड़ी, और जापान से इम्पोर्ट है, और मैं पहला न्यूजीलैंड में ओनर हूँगा। गाड़ी पुरानी है लेकिन जापान से आई है इम्पोर्ट होकर, जो न्यूजीलैंड में खरीदेगा वो न्यूजीलैंड का पहला ओनर होगा। वेलिंगटन के लिए मुझे अब टिकट ढूंढनी होगी फ़्लाइट की, क्योंकि बस यहाँ पे एक सर्विस है वो जा चुकी है, और फ़्लाइट है जो शाम तक जाती हैं, हो सकता है कि लास्ट मिनट मुझे फ़्लाइट मिल जाए, आज जाऊंगा नहीं तो कल को। मैं उनको बता दूंगा, $1,000 डिपॉजिट करके मैंने गाड़ी को जो है बुक कर लिया है, बाकी पैसे मैं वहाँ पे जाके दूंगा, और पहले मैं फ़्लाइट की टिकट ढूंढ लूँ। तो दोस्तों फिर से स्वागत है वीडियो में, मुझे फ़्लाइट की टिकट मिल गई है, तो मैं जा रहा हूँ वेलिंगटन आज फ़्लाइट से। यहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ से टैक्सी लेकर जहाँ पे कार का यार्ड है, डीलर से ली है मैंने, तो वहाँ पर जाकर गाड़ी में आज लेकर आ जाऊँगा। और ये वीडियो ना कई दिनों में बनेगा, क्योंकि आज आते आते तो मुझे रात हो जाएगी, और गाड़ी मैं दिखाऊंगा 1 या 2 दिन बाद उसके, तो वीडियो को कई दिनों में बनाकर आपके लिए एक वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। तो अब मेरी फ़्लाइट है, कुछ ही समय बाद मैं शावर वगैरह ले लेता हूँ, और उसके बाद जैस को बोलूँगा कि वो मुझको एयरपोर्ट तक छोड़ आएगी, और उससे आगे फ़्लाइट लूँगा, और फ़्लाइट से टैक्सी लेकर वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो भाई मैं आ चुका हूँ, जो नेपियर हमारे शहर का लोकल एयरपोर्ट है वहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ी वेटिंग के बाद मेरी फ़्लाइट है। ये रहा मेरा सामने जहाज़, तो इस जहाज़ में मुझे जाना है, जहाज़ बस चलने ही वाला है थोड़ी देर में, और 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा वेलिंगटन। ये देखिए जहाज़ मेरा है जो रेडी हो चुका है उड़ने के लिए, और अब हम हवा में हैं। देख लीजिए मुझे पंखे वाली सीट मिली है, और देख लीजिए बिल्कुल समंदर जो है ना एयरपोर्ट के पास ही है। ये मेरा शहर देख लीजिए, छोटा सा दिखाई दे रहा है, मैं शहर में रहता हूँ।
हमें ये खाने के लिए मिले थे, पॉपकॉर्न ट्रीट्स कहते हैं इसे। कोई ज़्यादा खाना तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्नैक्स वगैरह दे देते हैं 1 घंटे की फ़्लाइट में आपको। अब बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, पंछी बने उड़ता फिरूं, मस्त गगन में वाली बात हो गई आज तो। ये देखिए अब बस वेलिंगटन पहुंचने ही वाले हैं। ये वेलिंगटन का समंदर दिखाई दे रहा है और उस साइड है जहाज अब नीचे जाने लग रहा है। उस साइड जो सामने है ना वेलिंगटन है उस पहाड़ी के पास, तो बस 5 मिनट में उतर जाएंगे और आपको एयरपोर्ट है। ये देखिए ये एयरपोर्ट है वेलिंगटन का, बाहर निकल कर दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा लगता है वेलिंगटन का एयरपोर्ट अभी। इधर अच्छा, इधर वेलिंगटन में फिर 4,000 ऊपर में। अरे वाह, ऐसा बनाता था भाई। ये बहुत लंबा टनल है, ये कौन सा टनल भाई? ये माउंट विक्टोरिया टनल। अब मैं ऊबर में हूँ वेलिंगटन में और डीलर के पास जा रहा हूँ गाड़ी उठाने। तो ये भाई जो है ऊबर वाले मुझे जानकारी दे रहे हैं वेलिंगटन की। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि मैं वेलिंगटन से आपने देखा कि गाड़ी लेकर आ गया था। अब 2 दिन हो गए हैं उस गाड़ी को लेकर आए हुए, तो मैंने कहा कि आपको भी दिखा दूं और क्यों ली है ये गाड़ी ये भी बता दूं। तो पहले तो आपको दिखाता हूं गाड़ी बाहर से कैसी लगती है। तो ऐसी लगती है गाड़ी बाहर से, आप देख लीजिए, टोयोटा प्रियस है ये, वाइट कलर की है गाड़ी। बैक साइड से देख लीजिए ऐसी लगती है ये गाड़ी। तो अंदर से देख लीजिए ये स्टीयरिंग व्हील है, तो इस पे भी दिया हुआ है वॉल्यूम वगैरह का, ये मोड है ये चेंज करने के लिए, ये ट्रिप वगैरह है सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है टोयोटा प्रियस में। ये डोर है, डोर बंद कर लेते हैं, काफ़ी सर्दी है। तो यहाँ पे जो डिजिटल स्क्रीन है इसकी, ये देख लीजिए, आपको थोड़ा फ्लिकर दिखाई देगा वहाँ पे, क्योंकि और जैपनीज़ में है क्योंकि ये जापान से इंपोर्ट हुई है गाड़ी। तो ये वाली जो है ये भी जापान से ही हुई है इम्पोर्ट होने की वजह से, आप देख लीजिए सारा कुछ आपको ये जापनीज़ में ही दिखाई देगा। तो ये आप बदलवा सकते हैं, लेकिन इससे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है तो मुझे बदलवाने की ज़रूरत नहीं है आप। और इसका देख लीजिए डैशबोर्ड, ये गियर नॉब है इसका, रिवर्स आ गया और ऑटोमेटिक है ये, कोई इसके वो नहीं है, मैनुअल गाड़ी नहीं है, बस रिवर्स है, न्यूट्रल में डाल दी। और ये डी जो है, डी का मतलब है ड्राइव और बी का मतलब है अगर आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो ब्रेक असिस्ट जो है उसका ये वाला है। तो ऐसी दिखती है जी हमारा इंटीरियर, 4 2 सीट आगे हैं और 3 सीट जो है पीछे की ओर। मैं थोड़ा तो ये देख लीजिए 3 सीट हैं, उसके पीछे जो है डिग्गी है, इसको कह सकते हैं कि सेडान मॉडल नहीं है ये, इसे स्टेशन वैगन कह सकते हैं गाड़ी, आप भी देख लीजिए। तो डोर वगैरह सभी कुछ ऑटोमेटिक हैं, गाड़ी ऐसी लगती है इनसाइड से। तो मैंने ना गाड़ी का एक क्विक सा टूर दे दिया है आपको, गाड़ी दिखा दी बाहर से भी अंदर से भी क्विकली दिखा दी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है गाड़ी के रिलेटेड तो आप कमेंट करके नीचे पूछ लेना, मैं उसका वीडियो या फिर छोटा सा क्लिप बना के जहाँ मैं अगर आंसर दे सका तो आंसर दे दूंगा उस क्वेश्चन का आपके कमेंट के नीचे ही। तो ये गाड़ी मैंने क्यों खरीदी है, ये गाड़ी मैंने प्रैक्टिकलिटी की वजह से खरीदी है, क्योंकि जैगुआर जो थी ना, मैं जब से यूट्यूब के वीडियो बनाने लगा हूँ मैंने जो अपनी जॉब थी वो मैंने छोड़ दी है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो भी फुल टाइम जॉब ही है। और लेकिन यूट्यूब से मुझे अभी इतना पैसा नहीं आ रहा कि मैं सर्वाइव कर सकूँ, न्यूजीलैंड एक्सपेंसिव कंट्री है और मैं नहीं चाहता कि सारा कुछ जो है मैं लगा दूं अपना यूट्यूब के वीडियो में ही। जब तक नहीं चलता ये पूरी तरह से तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा टाइम ऊबर टैक्सी चलती है न्यूजीलैंड में तो मैं ऊबर टैक्सी चला लेता हूँ। ये गाड़ी जो है हाइब्रिड गाड़ी है, ये पेट्रोल से भी चलती है और इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है। टोयोटा प्रियस आप गूगल करके देख लेना, जो बैटरी है ना खुद ही चार्ज होती रहती है जब ये चलती है। तो ईवी मॉडल नहीं है, जब पेट्रोल पे आप चलाएंगे 50 के जोन में तो आसानी से चलती रहती है। 25-26 किलोमीटर की जो पर लीटर में ये एवरेज दे देती है, जबकि जो मेरी जैगुआर थी वो तो
16 या 17 की एवरेज तो देती थी, लेकिन आपको किलोमीटर बाय करने पड़ते हैं न्यूजीलैंड में अगर आपके पास डीजल गाड़ी है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया गाड़ी है जगुआर, लेकिन अगर आप ऊबर भी चलाना चाहते हैं, मल्टीपर्पस यूज़ करना चाहते हैं, तो टोयोटा की प्रियस गाड़ी ही बेस्ट है। और टोयोटा के इंजन तो आपको पता ही है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत ही रिलायबल कारें हैं। मोस्टली जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आपको ऊबर ड्राइवर मिलेंगे या टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, उनके पास यही प्रियस गाड़ी होती है, क्योंकि काफ़ी रिलायबल है और इनके इंजन काफ़ी स्ट्रांग हैं, इनकी माइलेज काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी। पहला तो हो गया जी मेरी फैमिली कार हो गई, इसमें कम तेल पड़ेगा और सस्ती रहेगी, जो मेरा पैसा बचेगा तेल का वो मैं अपने वीडियो पे लगा सकूंगा, घूमने पे लगा सकूंगा। दूसरा पर्पस इस गाड़ी का हो गया, इसे मैं एज अ टैक्सी एज अ ऊबर चलाऊंगा, जिससे कि मैं पैसे कमा सकूंगा। मैं ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, 10 या 15 घंटे हफ्ते के इतने ही चलाऊंगा, ताकि जो मेरा बाकी का समय है YouTube जो मेरी है फुल टाइम रहेगा, वीडियो का, फोटो का, मेरा फोटो और वीडियो का भी काम है। मेरी वेबसाइट है rajivdutt.com, rajivdutt.com वेबसाइट है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, तो वो मेरी फोटोग्राफी की वेबसाइट है, मेरे पास वो भी काम आता रहता है, लेकिन वो भी काम इतना नहीं आता कि मैं फुल टाइम उस पर सर्वाइव कर सकूं। लेकिन फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मैं यादों को क्रिएट करता हूँ। और आज भी जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, एक मेमोरी है, एक याद है, जो हमने नया अपनी गाड़ी खरीदी है उसकी मेमोरी में मैं एक जब बूढ़े हो जाऊँगा तो देखूँगा ये वीडियो, कहाँ यार मैंने गाड़ी खरीदी थी। क्योंकि चीज़ें जो है ना, जब पुरानी हो जाती है, जब चली जाती हैं, तो अपने आप कुछ बताने नहीं आती। ये फ़ोटोज़ वीडियोस ही हैं हमें, जो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा रखते हैं, पुरानी मेमोरी से जब भी हम जी चाहे इन फ़ोटो वीडियो को देख कर आप ताज़ा कर सकते हैं। और तीसरा पर्पस था इस गाड़ी का, क्योंकि मुझे शौक़ है कैंपिंग का, मुझे शौक़ है अच्छी अच्छी जगह पे जाके रात गुजारने का। मैं अकेले ही निकल जाता हूँ, मैं कई बार वीडियो बना लेता हूँ, कई बार नहीं बनाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे से वीडियो बनाया करूँ। अब भी देख लीजिए, मैं ये सामने समंदर का किनारा है, उस साइड जो है ना सामने सूरज ढल रहा है, तो बादलों की वजह से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे यहाँ बैठने का बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है ऐसी जगहों पे जाने का, इसीलिए मैं ऐसी लोकेशन पे आ जाता हूँ। तो ये गाड़ी माइलेज तो देती जैसे मैंने आपको बताया, और कैंपिंग अगर मुझे रात को सोना पड़े तो मैं इस गाड़ी में सो भी सकता हूँ, क्योंकि जो सीट है ना पीछे वाली फोल्ड हो जाती है। मैं आपको डिग्गी खोल के दिखाता हूँ। और एक और बात बता दूं कि ये गाड़ी नई नहीं है, मैं न्यूजीलैंड में पहला ओनर हूं इस गाड़ी का, मैं पहला मालिक हूं इसका, लेकिन ये जापान, न्यूजीलैंड में ना गाड़ियां जो है जापान से आती हैं इंपोर्ट होकर, जापान में थोड़ी बहुत चली होती हैं, 5-10 साल पुरानी हो जाती हैं, 10 साल तो ये नहीं पुरानी है, ये है 2016 मॉडल, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी है, कोई एक भी स्क्रैच नहीं है। तो ऐसी गाड़ियां आपको कम कीमत में मिल जाती, मैं आपको बताऊंगा कितने की ली मैंने गाड़ी, बहुत ही कम कीमत में ऐसी गाड़ियां जो जापान से इंपोर्ट होके आती हैं, काफ़ी यहां पे न्यूजीलैंड में ना अच्छे से चेक होती हैं, कंप्लायंस होता है इनका, एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिक्स हैं, जो कंपनियां हैं वही चेक करती हैं इनको, अच्छे से चेक किया जाता है, फिर ही पास होती हैं। तो ये गाड़ियां काफ़ी अच्छी जो है गुड कंडीशन में आती हैं। आप फिर देख लीजिए, बिल्कुल नए जैसी ये गाड़ी है ना, तो ग्लव बॉक्स देख लीजिए, डबल है सब कुछ है ना, बिल्कुल नई गाड़ी जैसी गाड़ी है, चाहे ये 8 साल पुरानी हो चुकी है, 7-8 साल, फिर भी। तो बात हम कर रहे थे कैंपिंग की, कैंपिंग के लिए भी ये गाड़ी अच्छी है। तो मैं आपको बेड तो मेरा घर पे पड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं आपको सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ पीछे वाली, ये देखिए भाई साहब, लो जी ये देख लीजिए, लो जी ये देख लीजिए, इसको दोनों को आप फोल्ड कर सकते हैं, मैंने एक फोल्ड किया है, मैं क्या, अगर मैं सिंगल हूँ तो वहाँ तक आप आराम से इसमें लेट भी सकते हैं, और आपका रात का सोने का भी जुगाड़ हो गया इस गाड़ी में। लेग रूम देख लीजिए कितना है गाड़ी के, मैं पीछे वाली सीटों पर बैठ कर दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, आप आसानी से जो पीछे वाला आदमी है ऐसे टांगे उसकी जो है पैर जो है आगे वाली सीट के नीचे चले जाते हैं, आगे भी काफ़ी है। हेडरूम भी देख लीजिए, मैं 5'11" हूँ, तो अभी भी काफ़ी जो है मेरे ऊपर
6 फुट से भी ऊपर का आदमी भी आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। तो कितने की पड़ गई ये गाड़ी मुझको? ये पड़ गई 13,000 New Zealand dollar की। तो इंडिया का लगा के चलिए 6.5 लाख रुपए की ये गाड़ी मुझको पड़ी है। तो ये तो मैंने वीडियो में आपको बता दिया कि क्यों मैंने ये गाड़ी ली, क्यों मैंने जगुआर को बेच दिया, क्यों मैंने टोयोटा की गाड़ी ली है और इस गाड़ी का क्या क्या हम प्रयोग करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन गुड बाय।